वेलकम स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। इससे पिछले वीडियो में हमने बायो सेवर्ट लॉ यानी कि बायो सेवर्ट के नियम को कंप्लीट किया था। आज है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमारा गॉस का नियम होता है यानी कि जब वहां पर एक वैद्युत फ्लक्स होता है तो उसके कारण उस सरफेस पर जो चार्ज होता है वो 1/ε0 के गुना होता है यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1/ε0। वहां पर ε0 क्या होती है, हमारी वैद्युतशीलता होती है किसी भी निर्वात की। और इसी तरह से जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने पर ही कुछ फॉर्मुलेशन है हमारी और उसी पर एक साइंटिस्ट एम्पियर ने अपना एक नियम दिया था जिसको कहा गया था एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी होता है और किसी वक्र बंद वक्र के थ्रू जो इसका रेखीय समाकलन होता है बी डॉट डी एल वो बराबर होता है उस वक्रीय पृष्ठ के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा आई और उसके म्यू नॉट के गुणनफल के। तो म्यू नॉट इंटू आई, तो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद पृष्ठ के साथ रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा उसके म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होती है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका देखते हैं हम प्रूफ कि हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं, किस तरह से इसको हम सिद्ध करते हैं। तो ये क्वेश्चन होती है हमारी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसका प्रूफ देखते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति और उपपत्ति। तो देखिए सपोज कीजिए कि एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें धारा आई फ्लो हो रही है। जब धारा आई फ्लो हो रही है तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सपोज कीजिए ये एक सर्किल है जो इसके कारण बन के आया है, ये इसका केंद्र ए हो गया इस वृत्तीय पथ का और इस वृत्तीय पथ से आर दूरी पर क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। जब सर्किल करंट इधर घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड दिशा कहां होगी, हमारी इस तरफ हो गई। तब हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर यानी कि एक रेखीय चालक में प्रवाहित होने के कारण धारक प्रवाहित होने के कारण वृत्तीय पथ पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये किसके लिए है, हमारा इस वृत्तीय पथ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा वृत्तीय पथ है छोटे छोटे स्मॉल खंडों से मिलकर बना है, यानी कि इस तरह से ये कोई छोटे छोटे खंड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं कोई यहां पर एक अल्पांश लेता हूं जिसकी लेंथ कितनी है, dl है। जब दोनों की लेंथ dl है तो हम लिख सकते हैं जो dl और b एक ही दिशा में है और जहां जहां लेंगे वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपकी वेक्टर है ना, ये हो जाएगा b इंटू dl कॉस थीटा। अब यहां पर एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, जीरो है और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास जीरो होती है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी आउट हो जाएगा इंटू डी एल और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या कि जो हमारा डीएल है जो लेंथ किसके बराबर है, कंप्लीट लेंथ
इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के तो हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई आर। समीकरण एक से क्या करेंगे हम बी का मान रख देंगे तो इंटीग्रेशन तो पहले लिख लेते हैं यहां पर हम समीकरण एक से बी का मान रखने पर चलिए बी का मान रखते हैं तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ये आपका लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपकी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू टू पाई आर। इन दोनों वैल्यू से ये वैल्यू कट गई और फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यही क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। नेक्स्ट है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग यानी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो पहली है हमारी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कहते हैं कि माना हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई का चालक तार है सीधा और उसमें आई धारा बह रही है। अब हम कहते हैं कि इससे कुछ आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये दूरी इसकी आर होगी। तो हम क्या कहते हैं इस दूरी आर का रेडियस मानकर एक सर्कल खींच लेते हैं। जब एक सर्कल खींचेंगे सपोज कि इसका सेंटर आर हो गया ठीक है तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा कहां होगी इधर होगी। और यहां जो हम एक अल्पांश लेंगे एक सूक्ष्म लंबाई का खंड लेंगे उसकी लंबाई मान लेंगे हम डीएल। तब जो चुंबकीय क्षेत्र बी है और जो डीएल है इन दोनों की जो दिशा क्या होगी वो समान होगी। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हम क्या कहेंगे उस पूरे का रेखीय समाकलन ले लेंगे। तो पूरे वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा कि B वेक्टर का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट dl इंटू कॉस जीरो क्योंकि क्वांटिटी होती है हमारी A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो AB cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे यहां पर जीरो है। जब cos थीटा की वैल्यू जीरो है तो cos जीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू हो जाएगा B और इंटीग्रेशन dl। और वृत्तीय पथ के लिए क्या होता है वृत्तीय पथ के लिए कि जो dl होता है वो किसके बराबर हो जाएगा इसकी पूरी परिधि के बराबर यानी कि इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू टू पाई आर। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू टू पाई आर। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। आगे लेंगे हम एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है ये होता है बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो क्या करेंगे हम समीकरण एक में इसका मान रख देंगे तो
तो क्या होगा, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई आर, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो ये क्या होता है, ये रिलेशन है हमारा कि अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। स्टूडेंट्स ये था हमारा पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है इसका लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स परिनालिका क्या होती है, आपने देखा होगा कि पहले एक फोन चलते थे वायर वाले, और जो उनकी जो डोरी होती थी वो इस तरह से होती थी, तो इसी को कह देते हैं हम परिनालिका, यानी कि जो इसकी लंबाई होती है इसकी व्यास की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही बड़ी होती है। तब हमें क्या करना है, इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से परिनालिका है हमारी, तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, समांतर क्रम में होंगी, और बाहर आते हुए क्या होंगे, अपनी तरफ बाहर घूम जाएंगी। ठीक है, तब मुझे क्या करना है, इन लाइनों के बीच जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन बी है, और इसके बीच में हम एक आयताकार लूप ए बी सी और डी इसकी कल्पना करते हैं, और क्या हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। यहां भी आई है, ये भी आई हुआ आपको, ये भी आई हुआ। तब इस आयताकार लूप ए बी सी डी पर एम्पियर का परिपथ नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। सिंपली एम्पियर के परिपथ नियम में हमारे पास केवल क्या होता है, आई होता है, लेकिन आई नॉट हमने किसके लिया, कि ये जो हमारा परिपथ है आयताकार चालक है ए बी सी डी, ये इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, इक्वेशन नंबर वन। तो हम क्या करते हैं, आयताकार परिपथ में, आयताकार परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र जो कंप्लीटली बी डॉट डीएल होगा वो किस किस के लिए बराबर होगा। अब इस आयत की चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, इन चारों के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उन सबके योग के बराबर होगा। तो पहला हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन कहां तक, बी टू सी, बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल, और फाइनली हो जाएगा डी टू ए, इंटीग्रेशन डी टू ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक टर्न है, मोड़ है, जो आपको क्लियर देखना है। ये टर्न है हमारी बी सी, बी टू सी और डी टू ए, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है कि लंबवत है, लंबवत है ना, तो एंगल क्या आ जाएगा यहां पर, 90 हो जाएगा। जब एंगल 90 हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास बी टू सी बी डॉट डी एल, यानी कि बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। सिमिलरली डी टू ए भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, यानी कि लाइन इंटीग्रल बी टू सी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टू ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0
क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, ये टर्म है सी टू डी, लेंथ इसकी एल है, सी टू डी क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके बाहर है, तब इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाओं से बाहर है। तब फाइनली जो हमारा वी डॉट डी एल होगा वो बराबर होगा ए टू बी इंटू डी एल, और इसकी पूरी लेंथ क्या है ए टू बी तक की, एल है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम कहते हैं कि जो हमारी परिनालिका है उसकी प्रति एकांक लंबाई में एन टर्न है, कितने हैं एन टर्न, तो टोटल कितने टर्न हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि एकांक लंबाई में कुल चक्कर कितने हो जाएंगे, एन एल टू एल हो जाएगा, और इन चक्करों में प्रवाहित धारा, इन चक्करों में प्रवाहित धारा ये हो जाएगी आपके पास I इंटू एन एल, ये फाइनली क्या हुई एक I इंटू एन एल एक धारा आ गई। आगे कह सकते हैं फिर हम कि जो कंप्लीट एबीसीडी जो हमारा क्या है, ये आयताकार पथ है, तो आयताकार पथ ए बी सी डी में प्रवाहित धारा आई नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एन एल, इक्वेशन नंबर तीन। अब समीकरण दो से बी डॉट डी एल और समीकरण एक तीन से आई नॉट का मान समीकरण एक में रख देंगे, तब क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण दो व तीन से मान, जो मान है समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, मैं यहां पर डायग्राम बता रहा हूं, यहां डायग्राम लिख देंगे अपने, तो देखिए समीकरण एक रखना है तो बी डॉट डी एल का मान कितना, बी एल है इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई नॉट का मान कितना हमारे पास आई एन एल, आई एन एल, एल से एल गया तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इसका मतलब क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिनालिका की ना तो लंबाई पर निर्भर करता है और ना ही उसकी व्यास पर। अब हम कहते हैं कि पूरी परिनालिका में चक्करों की संख्या कैपिटल एन है, माना परिनालिका में चक्करों की संख्या कैपिटल एन है, तब एन इज इक्वल टू एन अपॉन एल, और वैल्यू हो जाएगी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हुई आपकी सेकेंड एप्लीकेशन, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट होती है आपकी टोरॉइड, नेक्स्ट है आपका टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स टोरॉइड होते क्या है, कि जो भी आपकी परिनालिका होती है, जो भी आपकी परिनालिका होती है, जब उसको एक बलय यानी कि छल्ले के रूप में मोड़ दिया जाता है, यानी कि इस तरह से, यह आपकी परिनालिका है और आपने इसको एक बलय के रूप में मोड़ दिया,
तो ये जो आपकी एक सर्कल बनकर आएगा ये होती है आपकी टोरॉइड, और हमें इसी के कारण क्या करना है, इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो जब किसी लंबी परिनालिका को बलय के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वो होती है आपकी टोरॉइड। तो इसमें फर्स्ट है आपका टोरॉइड के भीतर, टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या करते हैं कि सपोज कि हमारे पास कोई टोरॉइड है, ये उसकी डबल लेयर हो गई, और इसके भीतर किसी आर बिंदु पर क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, एक इसी दूरी पर एक छोटा सा इसी रेडियस का एक सर्कल बना लेता हूं, और यहां पर कोई लेंथ डीएल ले लेते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी तो डीएल की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर होगी। तब इस आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट गुणा धारा, जो भी इसमें करंट फ्लो होगा। तो हम कहते हैं कि टोरॉइड में चक्रों की संख्या, टोरॉइड में चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, वो पाई दी टू पाई आर है, जिस तरह पहले आई थी एन इंटू एल, और यहां पर लेंथ कितने इसकी पाई दी के बराबर होगी, तो टू पाई आर इंटू एन, तथा इन चक्करों में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, टू पाई आर एन इंटू आई। तब ये मान यहां रख देंगे, और यहां पर क्या है, बी और डीएल की जो दिशा क्या है, समान है, तो जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट टू पाई आर एन इंटू आई, तो हो जाएगा बी डॉट इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टू पाई आर एन इंटू आई, और जो डीएल है क्या है हमारे पास, इसकी पाई थी कंप्लीटली, तो बी डॉट टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टू पाई आर एन इंटू आई, तो टू पाई से टू पाई गया आर गया, तो बी इज इक्वल टू बचता है म्यू नॉट एन आई। और यहां पर भी अभी प्रत्येक अंक लंबाई में चक्रों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा बी एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, और फाइनली बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो ये क्या हुआ हमारे पास, टोरॉइड के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें ही कि टोरॉइड के भीतर किसी रिक्त स्थान पर, कि टोरॉइड के भीतर किसी रिक्त स्थान पर इसी का सेकंड पार्ट हो जाता है फिर बी, टोरॉइड के भीतर रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल चीज है स्टूडेंट कि जो भी हमारा टोरॉइड है
टॉर्ड या टर्न्स है, करंट तो हमारा उन्हीं फ्लो हो रहा है, तो जैसे कि हमारे टर्न्स हुए तो करंट क्या है, केवल इसी में तो वायर है, लेकिन इसके बीच में जो स्थान है वहां पर तो कोई करंट है ही नहीं। जब करंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू जीरो है, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जीरो, यानी किसी रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हमारे यहां पर, जीरो होगा। और इसी का सी पॉइंट होता है क्या, कि टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए तो इसमें देखिए जो हमारा करंट है आई, तो इसकी एक तो इनर रेडियस है स्मॉल आर, एक है आउटर रेडियस कैपिटल आर, तो जो हमारी ये चक्कर लगे हुए हैं, जो फेरों की संख्या है, तो उनके बीच जो क्षेत्रफल है वो दो लाइनों के बीच घिरा हुआ है, तो एक में तो धारा जा रही है आपकी इस दिशा में और एक में धारा हो रही है आपकी इस दिशा में, तो इस क्षेत्र को एक चक्कर दो बार घिर रहा है, यानी कि ये लाइन है और यहां से एक चक्कर ये वाली है, तो एक चक्कर ये गया और दूसरा चक्कर इसका ये आ गया इधर, तो एक इनकी जो दिशाएं हैं करंट की क्या है, विपरीत है और समान है। जब करंट की दिशाएं विपरीत है और समान है तो क्या होगा, परिणामी धारा क्या हो जाएगी, परिणामी धारा हो जाएगी इसमें जीरो, तो फाइनली तो चुंबकीय क्षेत्र का वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, पहला एक लंबे अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, दूसरा सोलेनोइड के कारण, और तीसरा सोलेनोइड से बनी टोरॉइड के कारण, और टोरॉइड में भी टोरॉइड के भीतर उसके किसी रिक्त स्थान पर और टॉयलेट के बाहर रिक्त स्थान पर। थैंक यू गाइस।